यह हमारा अपील है सरकार से, ऐसे बाबाओं को सख्ती से निपटा जाए, उनको जेल में बंद किया जाए, और ऐसे जो पाखंड का जो आवंडर ये क्रिएट करते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों को परमिट नहीं किया जाए। इस देश में आप आंकड़ा उठा के देखिए, लाखों की संख्या में बाबा हैं, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जहाँ भी ये बाबा जाते हैं उनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में फॉलोअर्स पहुँचते हैं, और इस तरह की घटना संभावित है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बाबा जो होते हैं उनका काम होता है अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना, वो तो नेता है नहीं, सेलिब्रिटी है नहीं कि उनको जनसंख्या चाहिए, उनको अपनी ताकत दिखानी है। देश में आए दिन आप सुनते होंगे पर डे कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में ये बाबा लोगों को बैठाते हैं, प्रवचन देते रहते हैं। ये जो पाखंडी बाबा होते हैं लाखों की संख्या में देश में, इनका क्या काम है? ये पाखंड फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, आस्था के नाम पे उनके भावनाओं के साथ खेलते हैं। उनके कार्यक्रम में आप जाके देखिए, बस दिखावा होता है और कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि उन्होंने कहा भक्तों को कि हमारे चरणों का जो आप धूल लेते जाइए आपके लिए फायदेमंद होगा, उस कारण से वह भगदड़ मची। यूपी के हथरस में एक सत्संग हो रही थी, सत्संग के दौरान भगदड़ मच जाती है और कहा जा रहा है 120 लोगों से अधिक लोगों की जान चली जाती है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ युवा पत्रकार रवि मेहता हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? सबसे पहले तो यह घटना विभत्स है, दिल को दहला देने वाली है, अमानवीय है, मानव निर्मित घटना है। इसके जिम्मेवार कौन है, कैसे हुआ, मैं पूरी विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले वहां बाबा भोले जो सत्संग चला रहे थे, उनका नाम है, उनका मूल नाम, पहले वो दरोगा थे यूपी पुलिस में, उनका जो मूल नाम है एसपी सिंह है, वीआरएस लेते हैं ये 2006 में, उसके बाद सत्संग की दुनिया में जाते हैं। अब उनकी पत्नी भी उनके साथ बैठी होती है जब वो मंचों पे होते हैं, वो कार्यक्रम लगातार कर रहे थे, देश के हर कोने में जाते हैं। उनका जो घर है वह है यूपी के हाथरस के ही बगल में एटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ उनका जन्म स्थान है, वहीं पे उनकी कुटिया है, वहीं से उन्होंने इस धंधे की शुरुआत की थी, और धीरे धीरे उनके जो फॉलोअर्स हैं वो लाखों करोड़ों में बढ़ते चले गए। पश्चिमी यूपी उनका पूरा प्रभाव क्षेत्र है। मैं बता देता हूँ कि यूपी के हाथरस में जहाँ पे यह सत्संग हो रहा था वहाँ 3 दिवसीय इनका कार्यक्रम था, 31 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई को। 2 जुलाई के लगभग 12 बजे के आसपास में इनका कार्यक्रम खत्म होता है, और सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि उन्होंने कहा भक्तों को कि हमारे चरणों का जो आप धूल लेते जाइए आपके लिए फायदेमंद होगा, उस कारण से वह भगदड़ मची। हालांकि ये जो खबर है ये इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई गड्ढा था, जब श्रद्धालु जाने लगे एक श्रद्धालु गड्ढे में गिर जाता है, उसके बाद जो है भगदड़ मची अफवाह फैलता है, चूँकि उस श्रद्धालु की मौत हो जाती है। उसके बाद बूढ़े बच्चे बुजुर्ग जितने भी श्रद्धालु थे वो एक दूसरे पे चढ़ के भागना शुरू कर देते हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरे की जान ले लेते हैं। भगदड़ में 120 से अधिक लोगों के हताहत होने की खबरें हैं, मृत्यु की खबरें हैं, साथ में सैकड़ों लोग अभी भी मौत के मुंह में हैं, वो अस्पताल में नाजुक स्थिति में गंभीर रूप से घायल हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस तरह की घटनाएं क्यों हुई, किसकी लापरवाही है, किसकी कमी है। लापरवाही यूपी पुलिस की भी है, क्योंकि प्रशासन से इस कार्यक्रम का परमिशन ऑलरेडी मिला हुआ था, स्वीकृति मिला हुआ था, एसडीएम ने उसको जो है आदेश दिया था। उसके बाद लाखों की तादाद में बाबा ने जिस प्रकार से श्रद्धालुओं को इकट्ठा किया, उनको ही मैं दोषी मानता हूँ। अक्सर ये खबरें चल रही है कि जो बाबा के वॉलंटियर्स होते हैं वही मैनेजमेंट को देखते हैं, वो भी अपने मैनेजमेंट में फ्लॉप हुए हैं, यूपी पुलिस भी, प्रशासन भी, वहाँ के स्थानीय जो भी है वो फ्लॉप हुई है। अब सवाल यहाँ ये है कि ये बाबा, इन बाबा के चक्कर में जो मौतें हुई है, इन बाबाओं पर कैसे रोक लगाया जाए? इस देश में आप आंकड़ा उठा के देखिए, लाखों की संख्या में बाबा हैं, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जहाँ भी ये बाबा जाते हैं उनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में फॉलोअर्स पहुँचते हैं, और इस तरह की घटना संभावित है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसे बाबाओं को परमिशन क्यों दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब फेसबुक का ज़माना है। बाबा जो होते हैं उनका काम होता है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना, वो तो नेता है नहीं, सेलिब्रिटी है नहीं कि उनको जनसंख्या चाहिए, उनको अपनी ताकत दिखानी है। तो कहीं ना कहीं इन बाबाओं को परमिशन नहीं मिलने चाहिए थे। देश में आए दिन आप सुनते होंगे पर डे कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में ये बाबा लोगों को बैठाते हैं, प्रवचन देते रहते हैं। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में परमिशन क्यों? सरकार से मेरा अपील भी है कि ऐसे बाबाओं को आप परमिशन दीजिए भी, एक तो दीजिए नहीं,
यदि दीजिए भी तो 100-200 की संख्या से अधिक श्रद्धालु नहीं होने चाहिए, लिमिटेड पंडाल होने चाहिए। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, टीवी अखबार के माध्यम से आप प्रचार कीजिए, अपने विचारों को फैलाइए। सोशल मीडिया का ज़माना है, मुट्ठी आप दुनिया आपके मुट्ठी में है, तो फिर ऐसे आयोजन की आवश्यकता क्यों है। दूसरा सवाल यह है कि बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में भी बाबा बागेश्वर आए थे, हम लोगों ने लगातार उनका विरोध किया था और यह भी कहा था कि ऐसे अंधविश्वासी चमत्कारी पाखंडी बाबा के चक्कर में लोगों को नहीं फंसना है। लेकिन सवाल दूसरा ये भी है कि हमारा जो देश है यहाँ साक्षरता दर अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अभी भी पाखंड के चक्कर में चमत्कार पे भरोसा करते हैं और ऐसे ऐसे बाबाओं के जंगल में फंस जाते हैं। बाबा का अपना व्यवसाय तो अच्छा खासा चलता है। यही बागेश्वर बाबा जब नवोदपुर में आया था तो तीसरा दिन 10 लाख की संख्या थी, लोगों ने गर्मी में लोग बेहोश मूर्छित होते हुए जा रहे थे, लगातार सैकड़ों लोग बेहोश जब हो गए तो तीसरा दिन के बाद उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। प्रशासन ने कह दिया कि अब यह आयोजन संभव नहीं है, आप जाइए, होटल पन्हास में रुके थे और वहीं से अपना वो कार्यक्रम चला रहे थे। लाखों की संख्या में जो लोग वहाँ पर उमड़ते हैं उनकी सुरक्षा का जो इंतजाम हमने देखा था तो वहाँ भी कुछ अनहोनी हो सकता था, बिहार प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो मेरा कहना वही है, बाबा साहब ने क्या कहा था, मैं पाखंड पे बात करूँगा कि ये जो पाखंडी बाबा होते हैं लाखों की संख्या में देश में हैं, इनका क्या काम है, ये पाखंड फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, आस्था के नाम पे उनके भावनाओं के साथ खेलते हैं। उनके कार्यक्रम में आप जाके देखिए, बस दिखावा होता है और कुछ नहीं होता है, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं लोगों से सवाल करता हूं कि आप ऐसे बाबाओं के चंगुल में क्यों फंसते हैं, क्यों जाते हैं। बाबा देश के एक ही हुए, बाबा साहब अंबेडकर, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भीड़ बाबाओं के सत्संग में है, जो भीड़ मंदिर में है, वह भीड़ स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए, तभी हमारा देश ज्ञान विज्ञान की ओर बढ़ेगा और देश विश्वगुरु बनेगा। ये बाबा इस देश को गर्त में ले जा रहे हैं, नरक में ले जा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, देश में चिंतन मंथन की आवश्यकता है, कैसे बाबाओं के कार्यक्रम पे रोक लगे। जो पाखंड ये लोग फैला रहे हैं वो हमें ज्ञान विज्ञान से भी दूर कर रहे हैं और अपने जंगल में फंसा के हमारी मानसिकता को भी वो ख़राब कर रहे हैं। जो लोग पढ़ेगा लिखेगा स्कूल कॉलेज जाएगा वही उसी का जीवन बेहतर हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करके कहीं ना कहीं ये लोग आज मौत के कुआं में, मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, धकेल दिया है। तो मैं अपील करता हूं सरकार से कि ऐसे तमाम बाबाओं को जेल में बंद किया जाए, ये हमारा अपील है सरकार से, ऐसे बाबाओं को सख्ती से निपटा जाए, उनको जेल में बंद किया जाए और ऐसे जो पाखंड का जो आवंडर ये क्रिएट करते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों को परमिट नहीं किया जाए। यदि उनको कार्यक्रम ही करना है तो 100-200 लोगों की संख्या में करें, यूट्यूब फेसबुक से लाइव करें, लेकिन इस तरह से लाखों लोगों को मौत के मुँह में धकेलने से रोका जाए। इस देश में जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है, खास करके जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षा से दूर हैं, तो वो लोग ऐसे पाखंड में पड़ जाते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पाखंड का, या आस्था के नाम पे किस प्रकार से लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप गाँव घर में जाके देखिए, लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में आस्था नहीं है, लेकिन उस बच्चे के मुंडन में लाखों रुपया कर्ज लेके वो मुंडन कराने के लिए लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वही लाख रुपया अपने बच्चों की पढ़ाई में नहीं लगाते हैं। यह इस देश की सच्चाई है। साथ में मृत्यु भोज को देख लीजिए, आस्था के नाम पे लोग एक तो परिवार से कोई गया, उसके बाद लाखों रुपया लोग खर्च कर देते हैं अनप्रोडक्टिव वर्क में, उससे उनको मिलता कुछ नहीं है, लेकिन वही पैसा वो अपने बच्चों की पढ़ाई में नहीं लगाते हैं। तो ये स्थिति है हमारे समाज की, हमारा समाज आज भी बहुत पीछे है और खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी की मैं बात करता हूँ, ये लोग अधिक आस्था के दलदल में फंसे हुए हैं। आप देखिए जो अपर कास्ट का लोग है, जो पढ़ा लिखा लोग है, उनके बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ते हैं, कोटा पटना में पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनके पास वक्त नहीं है कि वो इनका कार्यक्रम जाके सुने, घंटों घंटा दिन सप्ताह महीना महीना भर कार्यक्रम इन लोगों का चलता है। तो मैक्सिमम लोग, मेरा वही है कि मैक्सिमम लोग गरीब समाज के होते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग होते हैं, जिनको ये अपने चंगुल में फंसाते हैं, यही लोग कामर भी ढोते हैं, लेकिन उनके लोग जिनके मैं बात कर रहा हूँ उनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ के विज्ञान को अपना रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज भी इस प्रकार के कार्यक्रम में जाके अपना बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर खो रहे हैं।